क्या हाल चाल दोस्तों, ये है एक काफी इंटरेस्टिंग सा लैपटॉप। देखो मार्केट में तीन तरह के लैपटॉप आते हैं। एक होते हैं गेमिंग लैपटॉप, जो भारी भरकम भाई आप मतलब लैब पे रख के गेमिंग करो भाई, लैब गर्म हो जाएगी, टेबल भाई टेबल पिघलने से लगती है। दूसरे तरीके के लैपटॉप होते हैं उल्टा सीधा पूरा अलट पलट कर रहे हैं, और ये है एक तीसरे तरीके का लैपटॉप जो दोनों के बीच का है। हमने इस वाले लैपटॉप को काफी इन डेप्थ टेस्ट कर रखा है, गेमिंग वीडियो एडिटिंग अलग अलग तरीकों से, और इस वीडियो में आपको सारी चीजें इसके बारे में बताएंगे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेट्स गो। डब्बा अगर आप देखोगे फ्रंट पे लेनोवो लिखा है, काफी एक स्टैंडर्ड सा जो आपका डब्बा होता है, ऐसा स्लिम एंड लाइट टाइप डब्बा है। एंड ऑफकोर्स निकाल के देखते हैं भाई। इसमें डब्बे के अंदर सबसे पहले आपको ये वाला लैपटॉप मिल जाता है, उसके साथ एक 65 वॉट का चार्जर है। चार्जर एक्चुअली काफी स्लिम और लाइट है, और यहाँ पे यूएसबी टाइप सी का जो पोर्ट है इसके अंदर से येलो लगा रखा है, बट भाई काफी लंबी सी तार है। ये हथियार से साइड में लगा रखे हैं, इनको अगर हम साइड करेंगे तो ये लैपटॉप है लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 5i। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, हाथ में पकड़ने में बिल्कुल एकदम एक पूरा सा लग रहा, पूरा सॉलिड मेटल से बनाया हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है, यहाँ पे पूरा मेटल में एनग्रेव करके यहाँ पे लेनोवो लिख रखा है। मैं ऐसे फ्लेक्स वेक्स भी कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्लेक्स वेक्स नहीं हो रहा। जो बहुत छोटे छोटे टचेज है वो भी अच्छे लग रहे हैं, और नीचे पूरा ही मेटल का बना रखा है। एंड ये जो नीचे होते ना रबराइज जो गिट्टे होते हैं ना इसे रखने वाली, ये भी सेम ग्रे कलर की है। हाथ में पकड़ने में इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई किसी भी महंगे लैपटॉप को, इससे डबल प्राइस वाले लैपटॉप को भी बिल्ड में तो एटलीस्ट बराबरी कर सकता है। बट ऑफकोर्स इसका साइज थोड़ा सा छोटा है जो आपके 16 इंच लैपटॉप्स आते हैं उनसे, मतलब इतना छोटा है कि आपके बैग में कंफर्टेबली आ जाए। है वैसे पूरी एल्यूमिनियम वाली बिल्ड, इसमें आपको साइड में देखोगे तो 3.5mm का जैक है, यूएसबी 3.2 वाले दो पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं जिसमें एक हमेशा ऑन रहता है। अब जो हमेशा ऑन का क्या मतलब भाई, ये क्या जादू अलग सा कर दे। इसमें बेसिकली होता क्या कि वैसे हैं तो दो पोर्ट्स, बट जो आपका लैपटॉप बंद भी है तो एक पोर्ट आपका हमेशा ऑन रहेगा। तो अगर आपको लैपटॉप को एज अ पावर बैंक भी आपको यूज करना है अपने मोबाइल के, तो वो भी आप काफी आराम से कर पाओगे। प्लस नीचे की साइड पे HDMI का पोर्ट भी दे रखा है, डिस्प्ले आउटपुट भी आप ले सकते हो। बेसिकली अगर आपको मॉनिटर कनेक्ट करने का मन करे तो भी इससे पॉसिबल है। इसका जो पूरा कवर है ये पूरा एल्यूमिनियम के अलॉय से बना रखा है। देखो मैं एकदम सही बताता हूँ, ठीक है भाई हमारी बाहर से बिल्ड सही कर दी, बट ये कटौती कहीं स्पेक्स में तो नहीं करेगी, ये इसकी चेकिंग करनी पड़ जाएगी। मेटल बिल्ड की वजह से काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे अगर आप कीबोर्ड में ऐसे दबा रहे हो तो ज्यादा फ्लेक्स नहीं होता, जो आपका स्क्रीन में भी फ्लेक्स है वो काफी कम रहता है। बट एक चीज मेरे को लगी कि अगर आप जैसे डिस्प्ले को ऊपर से ऐसे टच करके वॉबल करोगे तो हल्का सा वॉबल कर जाता है, बट ये काफी पतली स्क्रीन वाले लैपटॉप के साथ ये चीज होती है, कोई ऐसे दिक्कत आती नहीं इससे। वैसे अगर आप खोल के एक्चुअली देखोगे अंदर काफी सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं, इंटेल का i5 लिख रखा है। ऊपर की साइड दोनों तरफ स्पीकर के वेंट्स है, दोनों तरफ भाई नीचे की साइड पे एयर वेंट्स लगा रखे हैं, और एयर वेंट्स ना जब आप एक्चुअली स्क्रीन खोलोगे तो यहाँ अंदर की साइड पे भी एयर वेंट्स लगा रखे हैं। इससे दो तीन फायदे होते हैं इस यहाँ पे एयर वेंट्स लगाने के। एक तो आपको साफ थोड़ा कम करना पड़ता है क्योंकि हवा निकलती रहती है तो धूल यहाँ पे सर्कुलेट होती रहती है, तो धूल यहाँ पे जमा होती नहीं, एंड दूसरा आपको दिखते नहीं है एयर वेंट। लेनोवो ने इसमें अपनी काफी सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करा है, अलग अलग ऐसे पेचीदा चीजें लगा रखी है। बेसिकली इसका नाम लेनोवो दिया है स्मार्टर टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। ये लेनोवो की टेक्नोलॉजी है लैपटॉप को थोड़ा स्मार्ट करने की, और लोगों को मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस देने की। अब कितना अलग हो रहा वो हमको टेस्ट करना पड़ जाएगा। होता क्या है, मैं एकदम आपको सीधा बता दूं, जो हार्डवेयर है ना काफी हद तक बराबर है, मतलब नेक टू नेक कंपटीशन होता है। तो कंपनीज क्या कोशिश करेंगी भाई, हम सॉफ्टवेयर में कुछ अलग सा अगर प्रोवाइड करें कि मतलब AI डाल दें या फिर ऐसे अलग अलग फीचर डाल दें तो उससे काफी इंप्रूवमेंट हो जाए। यार ट्रैकपैड है तो ऐसे प्लास्टिक का, बट इसमें हाथ वाथ बढ़िया चल रहा है। ये वाला लैपटॉप आपको बाहर से भी दिख रहा होगा, इसको ना ऐसा गेमिंग सेंट्रिक नहीं बनाया गया, तो ऐसे रंग बिरंगी चीजें अतरंगी ऐसे एलिमेंट्स और पूरा फोकस गेम के ऊपर नहीं है। जैसे मैंने इस लैपटॉप को खोला ना भाई, सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी है वो है इसका डिस्प्ले। आप खुद भी नोटिस करोगे इसका डिस्प्ले ऑलमोस्ट एक बेजललेस सा डिस्प्ले, 14 इंच का 1080p WXGA OLED डिस्प्ले इसके अंदर ऐड कर रखा है, और काफी सारी चीजें हैं भाई इसके अंदर। 400 निट्स की ब्राइटनेस है। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो एक काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले आप इसको बोल सकते हो। काफी सारी सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर रखी हैं, TUV Rhineland लो ब्लू सर्टिफाइड, ये सारी चीजें। बेसिकली लैपटॉप में होता क्या है कि या फिर लैपटॉप फोन में सारी चीजों में ब्लू लाइट आपकी एमिट होती है, तो उसकी वजह से आपका मतलब रात में नींद थोड़ी अलग अलग हो सकती है। काफी लोग नाइट मोड ऑन कर लेते हैं, काफी लोग ऐसे अलग सी ब्लू लाइट टाइप फिल्टर लगा लेते हैं, बट इस वाले लैपटॉप में उसके लिए भी सोचा गया है। बेसिकली आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, एंड ओवरऑल अगर आप अंधेरे में भी यूज कर रहे हो तो आप आराम से यूज कर पाओगे। बट मेरे को डिस्प्ले इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि जैसे
आप वीडियो देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इसमें हल्का सा एक शाइन रहती है स्क्रीन के ऊपर, जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफी प्यारा सा आ रहा है। एंड लंबे टाइम तक भी अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आंखों में, इसके लिए मतलब पूरी सर्टिफिकेशन लगा रखी है। और स्क्रीन की क्वालिटी मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि इसमें आपका जानवर वानवर बढ़िया दिख रहे हैं, टेक्सचर्स हरियाली भी दिख रही है। इसके स्क्रीन एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, तो आपको स्मूथनेस में एक फर्क फील होगा। इस प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं भाई, कुछ कुछ डिस्प्लेज आते हैं जो 120 हर्ट्ज तक भी लेके जाते हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भाई लैपटॉप में मैं क्वालिटी थोड़ी सी बेटर चूज करूंगा, एंड मेरे को वो तो इस वाले डिस्प्ले में मिल रही है। वैसे है तो 1080p डिस्प्ले, बट हमने 4K फुटेजेस भी प्ले करके देखी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। और OLED है तो इसमें ब्लैक स्लैक्स काफी अच्छे से दिख जाते हैं। भाई एक 70,000 रुपए के लैपटॉप में या तो ज्यादातर IPS टाइप डिस्प्ले मिल जाता है, जो देखने में तो काफी सही होता है, बट कलर्स डिसेंट ही होते हैं। एंड होता क्या है कि भाई लैपटॉप में फोटो के कलर्स अलग दिखते हैं, अनार का फोन में देख रहे हो थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे। काफी लोग हो सकता है कलर्स को प्रेफर करें ओवर 4K रेजोल्यूशन, तो इसमें सर्टिफिकेशन ज्यादा है बट 4K नहीं है। मेरे को पर्सनली डिस्प्ले में ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं आई थी। अब भाई आ गया टाइम आपको आवाज सुनाने का। भाई मेरी वजह से काफी व्यूज आए भाई इस गाने पे। ये जो कितने व्यूज है भाई, 650 मिलियन में से कम 50 मेरे होंगे। मैं हर वीडियो में बजा रहा हूँ वैसे। इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है एंड 2 वाट के 2-2 स्पीकर्स हैं, बट मेरे को साउंड थोड़ी कम लगी, क्योंकि ऑफकोर्स भाई आपको एकदम एक लाइट और कॉम्पैक्ट हो बनाना है तो आप छोटे छोटे स्पीकर लगा पाओगे, आप बड़े बड़े स्पीकर लगाने की जगह है। एकदम ऑनेस्ट बताओ मेरे को ठीक ठाक से लगे, बट स्पीकर्स में वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट भाई क्वालिटी वाली अच्छी है। थोड़ी प्रीमियम सी फील तो भाई डेफिनेटली दे रहा, क्योंकि पूरा एक सॉलिड मेटल में बना रखा है और बीच बीच में भी कोई भी लोगो नहीं, तो लेयर्स की स्किन आपको लगानी तो आराम से लग जाएगी। वैसे मैं आपको थोड़ा अगर स्पेक्स जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, इसमें आपको 100% DCI-P3 देखने के लिए मिल जाता है, मतलब बेसिकली कलर्स और कॉन्ट्रास्ट मतलब काफी रियल से आपको लग जाएंगे। जो लोग भाई वीडियोज में भी कलर करेक्शन करते हैं या फिर फोटो एडिटिंग करते हैं, आप मतलब इंस्टाग्राम की फोटो भी एडिट कर रहे हो, तो आपको एक डिफरेंस फील होता है इस वाली सर्टिफिकेशन से। एंड ऊपरी साइड पे काफी सारे सेंसर लगा रखे, जैसे यहाँ पे भी लाइट जल रही है और अलग अलग सेंसर भी लगा रखे, यहाँ पे भी कुछ मेरे को लग रहा है तबड़ा पट्टी लगा रखी है सेंसर की, तो थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है भाई, ये ऐसा क्या देख रहा है मेरी आंखों में। मैं इस सेंसर का आपको राज बताता हूँ, इसमें आपको फुल HD IR फेस ID का सपोर्ट मिल जाता है, और इसमें ऑफकोर्स आप ऐसे कैमरे को ढक के रेड कर सकते हो, बट उसके अलावा इसमें काफी सारे सेंसर्स हैं जो आपके फेस को ट्रैक करके आपका लैपटॉप अनलॉक कर सकता है। भाई मैं ना सेटअप कर रहा हूँ इसमें, इसमें कैमरे में देखने के लिए बोल रहा हूँ, काफी तेजी से सेटअप हो गया इसका, अब मैं देखता हूँ वर्क करता ही नहीं। ये रेड लाइट जलती है यहाँ पे, ये रेड लाइट से मेरा चेहरा देख के जैसे क्लिक करा भाई खुल गया। देखते स्पीड चेक करता हूँ मैं, देखो कैसे कर रहा हूँ, मैं बहुत तेजी से कर रहा हूँ। अब इसमें मैं आंखें बंद रखूंगा, देखते आंखें बंद कर मैं अनलॉक करता कि नहीं, भाई आंख बंद में भी कर दिया। नॉर्मल लाइटिंग में काफी ज्यादा फास्ट काम करता है, और लो लाइट में भी हमने इसको ट्राई करा तो भाई काफी अच्छे से काम कर रहा था। मैं ऐसे इसको साइड फेस से भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ, जैसे साइड फेस से दिखा रहा है कांट रिकॉग्नाइज, तो साइड फेस से तो नहीं होगा, बट ये आपका अगर आंखें बंद है तो ये अनलॉक कर देता है। इसका जो वेबकैम है वो डेफिनेटली काफी अच्छी क्वालिटी का है ना, इसमें आप काफी सारे फीचर वो भाई। इसका कैमरा ना थोड़ा सा ट्रिपी टाइप है, मतलब ये थोड़ा सा जर्क दे रहा है, मेरे हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर का बग है भाई। इसमें मैंने कैमरे में सेटअप कर रखा है, और इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, ये मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है। इसमें आप देख सकते हो भाई बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है, जैसे अयान पूरा ब्लर है, और मैं अपनी उंगली भी ऐसे यहाँ पर रखूंगा तो ब्लर नहीं है, पर जैसे ही मैं ऐसे बैकग्राउंड में पास ले जाता हूँ थोड़ी थोड़ी ब्लर हो जाएगी। एंड काफी इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है, यूजुअली आपको लैपटॉप्स में इस टाइप के इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलते। देखो जब मैं ऐसे पास से बना रहा हूँ ना, तो पास से इसने मेरे ऊपर ऑटोमेटिक जूम इन कर रहा है, जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ ये देखो इसने मेरे ऊपर जूम इन कर लिया। वैसे ही ऐसा फ्रेम है बट इसने जूम इन कर रखा था, तो अब अगर मैं पास आऊंगा वो वैसे जब कैमरा स्टार्ट ही जस्ट करोगे आप, हल्का सा आपको फ्रेम ड्रॉप दिखेंगे फिल्टर के साथ, बट भाई इसमें आपको एक काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अच्छी लाइटिंग में आप डिसेंट कॉल्स ले सकते हो, मीटिंग्स ले सकते हो, और ये मेरे को काफी सही चीज लगी कि इवन अगर आप पीछे ही बैठे हो तो आपको जूम इन करके दिखाएगा। बट भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से भाई किसी भी प्रोसेसर की मतलब किसी भी लैपटॉप की होती है परफॉर्मेंस। ठीक है भाई लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया है, कैमरा सही है, बट अगर परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है ना तो कोई चीज बढ़िया नहीं चल पा। यानी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, क्योंकि करीब रखे मैंने
बेकार चीजें भी बहुत। इसमें आपको इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन वाला i5 प्रोसेसर मिल जाता है, वो भी H सीरीज का, जिसमें आप काफी हैवी टास्क भी रन कर सकते हो। इन प्रोसेसर्स का फायदा ये रहता है कि इसमें आपको दो टाइप के कोर्स मिल जाते हैं, पी कोर्स जो हैवी काम जैसे गेमिंग एडिटिंग ग्राफिक्स एडिटिंग ये सारे टास्क आराम से हो जाते हैं, एंड ई वाले कोर्स होते हैं जो नॉर्मल टास्क जैसे ब्राउजिंग स्ट्रीमिंग ये सारी चीजों में हेल्प करते हैं। दोनों मिलाकर आपको इसमें 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, जो काफी तगड़ा है। इस वाले प्रोसेसर को डिजाइन किया है आपके टास्क को बैलेंस करने के लिए, जिससे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और बैटरी भी काफी लंबी चलेगी, जो कि हैवी टास्क या मल्टीटास्किंग में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी भी जो चीजें हैं, वाईफाई 6E का सपोर्ट मिल जाता है, रैम भी आपको 16GB DDR5 मिल जाती है, जिसको आप बाद में अपग्रेड अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो काफी आराम से, वो भी मेरे को काफी सॉलिड चीज लगी। ओवरऑल मल्टीटास्किंग यार हमने इसके अंदर करके देखी एंड हमको ओवरऑल यूज में कोई भी ऐसा खास दिक्कत नहीं लगी। इसमें मेरे को एक चीज और लगी, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है 1TB SSD का, और ये मैक्स है। इसको अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो ये अपग्रेड नहीं हो पाता, बट इसमें एक फायदा है, क्योंकि आपके पास एक USB 3.2 का पोर्ट है तो आप SSD अलग से लगा के भी यूज करोगे तो उसमें भी अच्छी स्पीड आ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट स्टोरेज लेवल जो इसके अंदर है उसकी स्पीड आ जाएगी। और इसको यूज करने का एक्सपीरियंस मेरे को भाई 70,000 रुपए के हिसाब से मेरे को काफी अच्छा और रिलायबल लगा। अगर आपको स्टोरेज की नीड है लेकिन परफॉर्मेंस कम चलेगा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग लैपटॉप को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल्स के लिए आइडिया पैड स्लिम 5 जो 50,000 से स्टार्ट हो रहा है, क्रिएटर्स के लिए योगा करने वाले लैपटॉप भाई 60,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड गेमिंग के लिए लीजन एंड लॉक सीरीज है वो 65,000 से स्टार्ट हो रही है। मैं तो मतलब लैपटॉप में बहुत बेसिक चीजें भी देखता हूँ कि जैसे मैं एकदम से अगर खोल रहा हूँ तो भाई एकदम से लैपटॉप खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, फिर उसके बाद जो टाइम लेता है फेस आईडी के अंदर या फिर आप कोई और चीज कर रहे हो, कोई ऐप ओपनिंग स्पीड है, मल्टीपल एप्स को भी अगर आपको साथ में रन करना है तो वो भी इसमें मैंने मतलब चला के देखी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बार बार ओपन करने पे भी भाई काफी हद तक स्मूथ फील हो रहा था, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने बंद करके ओपन कर दिया, ऐसे मैं 5-6 बार करूँ ना तो काफी सारे लैपटॉप अटक जाते हैं, बट ये एकदम सॉलिड चल रहा था। हमने काफी हाई लेवल चीजें भी ट्राई करके देखी। प्रीमियर प्रो में हमने 1080p 60fps की एक फाइल इसमें डाली थी, कुछ रैंडम कट्स लगाए थे, लेयर्स इफेक्ट सारी चीजें लगाई थी, और ये 12 मिनट की वीडियो को रेंडर होने में 9 मिनट का टाइम इसके अंदर लगा था। और ओवरऑल अगर आपको 1080p एडिटिंग करनी है इसमें तो काफी कंफर्टेबली हो जाएगी। 4K फुटेज अगर आप करने जा रहे हो इस वाले लैपटॉप में तो ये लैग करेगा, बट अगर आपको फोटोशॉप पे एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, उसमें भाई एकदम ही एक स्मूथ सा एक्सपीरियंस है, हमको कोई भी लैग या कोई भी दिक्कत नहीं लगी। प्रोफेशनली बहुत ही बड़ी बड़ी फाइल्स भाई 100-200 GB की फाइल्स अगर आप फोटोशॉप पे खोलोगे ऑफकोर्स फ्रेम ड्रॉप्स आएंगे, उसके अलावा जो आपकी एडिटिंग होती है इंस्टाग्राम के लिए और जो आप अपने सोशल मीडिया के लिए एडिटिंग करोगे उसमें कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। एंड इसमें हमने ब्लेंडर भी ट्राई करके देखा, एंड ब्लेंडर जिन लोगों को पता नहीं है बेसिकली एक थोड़ा 3D टाइप सॉफ्टवेयर है, इसमें काफी सारे लोग रेंडर बनाते हैं और अब तो AI से काफी सारी चीजें ब्लेंडर में इंपोर्ट हो जाती है तो काफी मस्त रहता है। तो बेसिक से ग्राफिक्स या फोटो एडिटिंग में आप आराम से इसमें कर सकते हो, और बेसिकली जितने भी मिडिल लेवल के काम है जो ग्राफिक इंटेंस नहीं है और जो आप काम आराम से कर सकते हो वो सारे इसमें काफी कंफर्टेबली हो जाते हैं। इस वाला लैपटॉप बनाया नहीं गया है गेमिंग के लिए, बट भाई गेमिंग हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई बिना खेल खेले मजा नहीं आ रहा कुछ। हमने सबसे पहले इस वाले लैपटॉप के अंदर वैलोरेंट करके एक गेम है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक मतलब ऐसा शूटिंग गेम है, आप बोल सकते हो इसको कि ये थोड़ा सा CPU इंटेंसिव गेम है, तो इसमें मतलब ऐसा ग्राफिक कार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, और इसमें हमने मीडियम सेटिंग्स पे चलाया तो हमको एकदम ही एक स्मूथ गेम प्ले देखने के लिए मिल रहा था। कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको हीटिंग मिलेगा, बट इसमें एवरेज हमको 90fps मिल पा रहा है, जो भाई मेरे को काफी अच्छा रिलायबल एक्सपीरियंस लगा। एक बेसिक अगर आपको शूटिंग वूटिंग गेम खेलनी है, वैलोरेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। GTA 5 भाई आप लोगों के लिए टेस्ट कर दी जाएगी। बेसिकली मीडियम पे आप खेलते हो एकदम ही स्मूथ गेम प्ले आपको मिलेगा, बट मीडियम और वेरी हाई का भी अगर आप मिक्सचर करते हो तो काफी हद तक प्लेबल लगता है, एंड आपको 30fps एवरेज मिल जाएगा, जो 30fps मतलब GTA 5 टाइप गेम के लिए एकदम ही एक स्मूथ गेम प्ले आपको मिलेगा, कहीं पे भी लैग कोई भी डिले नहीं फील होगा। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट बताऊं, जो लोग गेमर्स हैं उनको पता हो, एक शूटिंग गेम के अंदर जैसे आप वैलोरेंट काउंटर स्ट्राइक कॉल ऑफ ड्यूटी इन सब टाइप की गेम में आपको 60-90fps के अराउंड चाहिए रहता है अच्छे स्मूथ गेम प्ले के लिए, और GTA टाइप गेम में या फिर कोई रेसिंग गेम है आपको अगर 30fps के अराउंड आ रहा है तो बहुत अच्छा स्टेबल मजा आपको आएगा। थोड़ी देर खेलने के बाद मेरे को एक चीज फील हुई, कीबोर्ड थोड़ा सा ना यहाँ पे ऊपर की साइड से थोड़ा सा वार्म हो जाता है, एंड ये आपको डेफिनेटली फील होता है गेम खेलते टाइम, मतलब अगर आप गेम थोड़ा टाइम ज्यादा खेलते हो, बट गर्म होने पे परफॉर्मेंस में ऐसा मेरे को दिक्कत नहीं आई, और अभी तक हमने ठीक ठाक गेमिंग कर ली। CPU
टेम्परेचर 80 डिग्री तक गया था जो ठीक है, और जो इंटेल इसमें i5 प्रोसेसर भी है उसके भी वैसे थर्मल सही है, तो उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं फील होती। इसमें गेमिंग बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इसमें आप बेसिक गेम्स खेल सकते हो इंटरनल ग्राफिक कार्ड पे, कोई एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आपको नहीं देखने के लिए मिलता है इस वाले लैपटॉप के अंदर। तो जो सीपीयू इंटेंसिव गेम है इसमें सीपीयू का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया चलती है, और इसमें ग्राफिक कार्ड का ज्यादा यूज होता है जो बहुत विजुअल गेम्स है, उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंज आएगा। बट बाकी जो प्रोफेशनल काम है, आपको एडिटिंग करनी है, बाकी सारी टैब्स आप खोलने, वो बहुत ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली लगा। ऑफ कोर्स भाई एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो है बैटरी। इसमें हमने जो टेस्ट करा था 1.5 आवर्स में 40% बैटरी ड्रेन हमको देखने के लिए मिला था। एक्सट्रीम अगर आप काम कर रहे हो तो 3.5 घंटे से 4 घंटे आपका चल जाएगा, और नॉर्मल यूजेज पे आपका 5 और 5 से ऊपर घंटे भी चल सकता है ये वाला लैपटॉप, और ये हमारी टेस्टिंग के बेसिस के ऊपर है। मैं अगर आपको एकदम सीधा सीधा बताऊं तो देखो लैपटॉप्स ऐसे है ना कि हर बंदे को अपनी यूजेज के हिसाब से लेना होता है। जैसे कोई अगर एक बंदा है जिसको गेम खेलनी है अपने घर पे बैठ, तो एक भारी भरकम लैपटॉप लेगा जिसमें भाई कूलिंग है, ये सारी चीजें लगा रखी हैं, वो हो सकता है डिस्प्ले पे और कैमरे पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी, और थोड़ा सा बिल्ड पे भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी। बट एक ऐसा बंदा जो समझ लो लैपटॉप स्कूल लेके जा रहा है या बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, या फिर उसको एक अच्छा स्लिम एंड लाइट लैपटॉप चाहिए, तो उसके लिए भाई लैपटॉप डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंट होते हैं गेमिंग लैपटॉप से, और ये वाला लैपटॉप भी वही है। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए सेम लैपटॉप Lenovo IdeaPad Slim 5 65K से स्टार्ट होगा, एंड Lenovo के सेम प्राइस पॉइंट में अलग अलग लैपटॉप आते हैं। जैसे Lenovo का योगा वाला है वो 60,000 के अराउंड मिल जाता है, और जो गेमर्स वाला रहता है तो Lenovo का Legion मिल जाता है 65,000 के अराउंड। तो ये तीनों लैपटॉप्स मतलब सेम प्राइस पॉइंट में बट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लैपटॉप। इसमें वैसे एक चीज मैं बता दूं, जो 65,000 वाला है उसमें OLED स्क्रीन नहीं है, जो हम रिव्यू कर रहे हैं ये OLED वाला वर्जन है, और इसका प्राइस 72,000 रुपीज है। और इन लैपटॉप्स पर आपको कैशबैक्स भी मिल जाएंगे, या आप कोई भी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाते हो तो 20,000 तक का डिस्काउंट मिलता है, तो इनको आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट कंजम्पशन काफी ज्यादा हाई है, या फिर आप हाई टास्क में, जैसे आपको एकदम बहुत प्रोफेशनल टास्क जैसे ब्लेंडर नहीं चलाना, 4K एडिटिंग, ये सारी चीजें आपका मेन कंजम्पशन नहीं है, और आप स्कूल कॉलेज ऑफिस के लिए परचेज करना चाहते हो, तो भाई डेफिनेटली ये वाला लैपटॉप एक अच्छी चॉइस होगी आपके लिए।